फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रीन प्ले आउटलाइन के बारे में बताने वाला हूँ। स्क्रीन प्ले आउटलाइन क्या होता है और स्क्रीन प्ले आउटलाइन क्यों ज़रूरी होता है एक राइटर के लिए तैयार करना, और कैसे स्क्रीन प्ले राइटर आउटलाइन को तैयार किया जाता है। तो स्क्रीन प्ले आउटलाइन के बारे में आप बिल्कुल भी अच्छे से जानकारी ले लीजिए अगर आप एक नए राइटर हैं तो पूरा देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीन प्ले आउटलाइन क्या होता है। देखिए, जैसे स्क्रीन प्ले जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, यानी मान लीजिए आप 2 घंटे की फिल्म लिख रहे हैं तो उसके लिए 120 से 130 पेजेस की होती है। तो 120 से 130 पेजेस में आपने किस किस पेज नंबर में क्या क्या लिखा, यानी मान लीजिए कि आप एक से पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक आपने क्या लिखा है, पेज नंबर 5 से पेज नंबर 10 तक आपने क्या लिखा है, फिर पेज नंबर 11 से आपने 20 तक क्या लिखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, इसे डिवाइड करना चाहिए पेज नंबर में, और उन पेज नंबर्स में आपने क्या क्या लिखा है ये आपको लिखना चाहिए शॉर्ट में, डिटेल्स में नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका फॉर्मेट भी बताऊँगा कैसे लिखना है। देखिए, मान लीजिए कि अगर कोई सीन है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कोई कार जो है वो अनबैलेंस होती हुई आती है और वो ब्लास्ट हो जाती है, तो और वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उन्हें जो आदमी लोग जो रहते हैं जो कार के अंदर रहते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो आप इसे स्क्रीन प्ले आउटलाइन में क्या लिखेंगे। मान लीजिए कि ये सीन जो है ये आपका लिखा हुआ है स्क्रीन प्ले में 10 पेज नंबर से 20 पेज नंबर के बीच में, यानी ये जो अब मैंने आपको बताया सिचुएशन, ये 10 से 20 पेज नंबर तक इसने कवर कर लिया, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको कैसे लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि पेज नंबर 10 to 20, और उसके बाद स्लैश देकर के आप उसमें लिखे कि क्या उसमें दिखाया गया है। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि कार ब्लास्ट एंड द पर्सन्स आर टेकन टू द हॉस्पिटल। मैं आप लोगों को स्क्रीन प्ले आउटलाइन का फॉर्मेट बता दे रहा हूँ। स्क्रीन प्ले आउटलाइन को प्रोड्यूसर्स मांगते हैं, डिमांड करते हैं, क्योंकि जब उनके पास वक्त नहीं होता है तो वो उसकी आउटलाइनिंग सुन करके अंदाजा लगा लेते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी है। तो इसीलिए आपको स्क्रीन प्ले आउटलाइन रेडी कर लेना होता है। देखिए कैसे आपको रेडी करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी शॉर्ट फिल्म द हॉन्टेड ट्री की स्क्रीन प्ले आउटलाइन है। तो आपको शुरू में अपना जो स्क्रिप्ट है उसका टाइटल लिख लेना है। तो देखिए, हमने लिख रखा है द हॉन्टेड ट्री स्क्रीन प्ले आउटलाइन बाय आकाश रजक, और आपको बाय करके अपना नाम लिख लेना है, जैसे हमने लिख लिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे जो भी सीक्वेंसेस रहते हैं आपके स्क्रिप्ट में, उन सीक्वेंसेस को आपको डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर सीक्वेंस जो है, देखिए सीक्वेंस 1 में लिखा हुआ है क्या है, हेडिंग में बाइंग हाउस, यानी घर खरीदने का सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस कब से कब तक चल रहा है, यानी किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक चल रहा है, पेज 1 से पेज 4 तक चल रहा है। और इस सीक्वेंस में क्या क्या आ जा रही है, क्या क्या घटनाएं हो रही है सीक्वेंस में। आकाश और अंकिता पति पत्नी रहते हैं, दोनों सस्ते में एक घर खरीदते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। मैंने जैसा आपको बताया कि शॉर्ट में आपको बताना है, इसको डिफाइन या फिर इसको डिस्क्राइब नहीं करना है। अब देखिए उसी तरह से सीक्वेंस 2 आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सीक्वेंस 2 में यहाँ पर देखिए फिर घटना लिखी हुई है कि और क्या घटना हो रही है। तो यहाँ घटना जो लिखी है वो है, हेडिंग उसकी क्या है, हॉरर साउंड्स, और ये घटना चल रही है पेज 5 to 6 तक। क्या है इस घटना में, घर में कुछ सुपर नेचुरल चीजें होने लगती है, घर के आंगन के पेड़ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो देखिए इस घटना को स्क्रीन प्ले में या स्क्रिप्ट में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर शॉर्ट में बिल्कुल बताया गया है ताकि प्रोड्यूसर को ये सभी चीजें समझ में आए और वो अपने वक्त को बचा पाए और आपका भी काम हो जाए। देखिए फिर यहाँ पर सीक्वेंस 3 को देखें, तो सीक्वेंस 3 में क्या है, ट्री कटिंग यानी पेड़ काटने का सीन है। ये सीक्वेंस चल रहा है पेज 7 to 9 तक। तो इसके बाद फिर पेज 7 to 9 है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है इसका, वो लोग पेड़ को कटवा देते हैं पर पेड़ फिर से जुड़कर खड़ा हो जाता है। तो ये सीक्वेंस 3 है। तो इसी तरीके से आपको अपने स्क्रिप्ट को भी सीक्वेंस वाइज, यानी घटना के हिसाब से, जो घटनाएं हो रही है उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है और उसे सीक्वेंस वाइज लिखते जाना है, सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3, और उसका हेडिंग देते जाना है, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हो, और फिर पेज नंबर लिखते जाना है कि कितने पेज से कितने पेज तक वो घटना कवर हो रही है, कितने पेज से कितने पेज तक वो घटना आ रही है।
देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि स्क्रीन प्ले आउटलाइन को आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। आप इसे नहीं भी रजिस्टर कराएंगे तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन प्ले में लिखी हुई रहती है। स्क्रीन प्ले आउटलाइन लिखने का एक फायदा और है कि जब आप प्रोड्यूसर को स्टोरी नरेट करते रहते हैं, स्क्रिप्ट को नरेट करते रहते हैं, तो ये आप अपने पास में रखेंगे तो क्या होगा कि आप इसे ऊपर में बस सिर्फ आप इसका सीक्वेंस यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है बाइंग हाउस देखेंगे, तो इससे आपको पूरा जो घटना है वो याद आ जाएगा, तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा और आप पूरे स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर को अच्छे से सुना पाएंगे। तो स्टोरी नरेशन में, स्क्रिप्ट नरेशन में भी ये स्क्रीन प्ले आउटलाइन आपकी मदद करता है। तो एक राइटर के लिए बहुत जरूरी होता है स्क्रीन प्ले आउटलाइन रेडी करना। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इस बुक को आप जरूर खरीद कर पढ़ें। खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप परचेज कर सकते हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।